नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना अंतर्गत अमिलो गांव के रहने वाले लाल बिहारी मृतक एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। 40 वर्षों से अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के बाद 2017 में इन्हें जीवित किया गया। लाल बिहारी मृतक की पत्नी कर्मी देवी ने जीवित मृतक परिवार को 50 करोड़ की मांग की है। आपको बता दें कि न्यायालय तहसीलदार तहसील सदर जिला आजमगढ़ मुकदमा नंबर 298 के अंतर्गत दिनांक 30/7/1976 को अभिलेखों में लाल बिहारी को मृतक घोषित कर दिया गया था। नाम के साथ मृतक टाइटल व मृतक संघ के अनोखे संघर्षों से ग्राम खलीलाबाद के लेखपाल की आख्या से मुख्य राजस्व अधिकारी व जिला अधिकारी आजमगढ़ 30 जून 1994 को मुर्दा से पुनः जिंदा कर दिया था। न्यायालय उप जिला अधिकारी तहसील निजामाबाद आजमगढ़ ने दिनांक 3/9/2016 को पति राम बाबू राम का नाम निरस्त कर उनके हिस्से की जमीन पति के नाम दर्ज कर दिया था। चचेरे भाइयों से खूनी संघर्ष करने व हर्जी मुकदमे में कराने फंसाने की साजिश किए थे। विरोध करने पर न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने 16 जनवरी 2017 को लगभग 40 वर्ष बाद धारा 38(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ग्राम खलीलाबाद में सब खातेदार दर्ज किया गया। धोखाधड़ी भ्रष्टाचार अन्याय के विरोध निरंतर संघर्ष करते आ रहे लाल बिहारी मृतक लाल बिहारी की पत्नी कर्मी देवी ने अपने पति के लिए 40 वर्ष तक संघर्ष किया, जिसके बाद दिनांक 16 जनवरी 2017 को ग्राम खलीलाबाद की जमीन पर नाम दर्ज कर मुर्दा से जिंदा किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मान की लड़ाई लड़ने से क्या मिला, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या पीड़ित परिवार। उत्तर प्रदेश व भारत सरकार व भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति कुर्की नीलामी कर कम से कम 50 करोड़ रुपए हर्जा खर्चा मान हानि का एक महीने से मुआवजा देकर मौलिक अधिकारों मानव अधिकारों सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए अशुभ पूर्ण विवाह की मांग की है। पत्नी ने सरकार से निवेदन किया कि उपरोक्त विषयों पर विचार कर 50 करोड़ रुपए एक महीने में मुआवजा देकर परिवार सहित जान माल की सुरक्षा न्याय करने का कष्ट करे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। लाल बिहारी जी, आपने अपना पुनर्विवाह किया है, अशुभ विवाह जी, इसमें क्या कहना है? देखिए, अशुभ पुनर्विवाह ये हम लोग कोई शौक नहीं, हमारी उम्र 69 वर्ष हो गई, हमारे पत्नी की भी उम्र उतना ही लगभग समझिए। ये जन आंदोलन जागरूकता अभियान जनता को एक जागरूक करने का तरीका है। आज हम धरना प्रदर्शन देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, हमारे जो समर्थक रहेंगे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, सभी मुलजिम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक जन आंदोलन है, जो आदमी को जिंदा मुर्दा करके जमीन हड़प ली जाती है या कोई बाहर रहता है उनकी जमीन हड़प ली जाती है। मेरे साथ नहीं है, तमाम लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति 1976 से लगातार संघर्ष कर रहा है और मुझे न्याय नहीं मिला, तो अन्य लोगों के साथ जो नहीं लड़ पाते हैं उनकी क्या हालत होगी। अब देखिए, मुझे 30/7/1976 मृत घोषित किया गया था, जिला अधिकारी 1994 में जिंदा कर दिए, हमारा 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मान हानि का मुआवजा चला था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाइए कि वही सरकार की बात मान के 10,000 जुर्माना जो लगा था वो खारिज हो गया, हाई कोर्ट ने 10,000 जुर्माना भी लगा दिया, दागी बना दिया। तो इस तरह से समझ जाइए हमको लड़ते लड़ते पूर्ण रूप से हम जिंदा हुए हैं 16 जनवरी 2017 को न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने हमें जिंदा किया। और जो जिला अधिकारी का जो आदेश था और जो 1976 का आदेश था, दोनों फाइल को सरकार ने गायब कर दिया, मतलब हमारा साक्ष्य मिटा दिया हमारा। तो ये पुनर्विवाह करने का शौक नहीं, एक आंदोलन है। और हमारे पत्नी के तरफ से कुछ मांग है, और अब देखिए पत्नी क्या कहती है। 94 में जब आपको जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जब आपको घोषित किया जीवित, तो क्या कह के घोषित किया जीवित? देखिए, वो जीवित घोषित कर दिया और कह के कहा वो हम जीवित हैं। और आपको न्याय मिला 16 में जाके, 2016? नहीं, तो उस फाइल को गायब कर दिए,
जिला प्रशासन के और सरकार के मिली भगत से मतलब 1976 और 1994 की दोनों फाइल को गायब कर दिए। तो जब गायब कर दिए साक्ष मिट गया, लेकिन कहीं कहीं चोर फंस जाता है। वो आदेश हमको किया था 16 जनवरी 2017 को आदेश किए, लेकिन एक बीच में कलाकारी सरकार की थी कि हमारे चचेरे भाइयों की जमीन सारा हमारे नाम कर दिए थे। उनका ये फार्मूला था कि आपस में खूनी संघर्ष कर लेंगे और ये मार कर लेंगे तो इनको जेल में कोई धारा लगा के बंद कर दिया जाएगा तो लड़ नहीं पाएंगे। तो जब मुझे जानकारी तो मैं एकदम खामोश हो गया, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन जब नहीं पेश पाए तो उस फाइल को गायब कर दिए। तो सरकार कितनी पीछा करती है, जब नहीं डाल पाती है। हमारा घर भी वो समझ जाइए कि जहाँ हमारा जन्मभूमि है वो बुलडोजर लेकर गए थे गिराने के लिए, वहाँ भी नहीं चांस लगा। तो हमेशा सरकार पीछा करती है, लेकिन अंत में आकर यहाँ फंस गई। मतलब न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामबाद ने आदेश कर दिया है, उसका मुकदमा नंबर है 163। तो आप सब 163 सन मैं 17। तो इसमें जब हुआ है तो अब हम हमारी उम्र हो गई 40 वर्ष ना, 40 वर्ष के बाद हुआ ना, मतलब आप समझ जाइए कि 40 वर्ष 5 महीना 18 दिन हम जिंदा हुए। तो अब तो हमारी उम्र हो गई 7 वर्ष ना, जब से हम जिंदा, हमको तो अभिलेख में जिंदा किया गया था। और देखिए ये जहां हम अमिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां हम जिंदा थे, ग्राम खलीलाबाद में मृतक थे। अब देखिए सरकार की व्यवस्था, एक ही विभाग में एक गांव में आदमी जिंदा है, दूसरे गांव में मृतक है। अब न्यायालय के शरण में न्यायालय से भी भाई, न्यायालय से कहां मिला। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ 10,000 रुपये जुर्माना लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 जुर्माना लगाकर अभी भी लगा दिया जुर्माना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 लगाया। अरे हमने समय कोर्ट का बर्बाद किया, लेकिन हम जब 40 वर्ष से लड़े हमारा समय नहीं बर्बाद हुआ। उठना बैठना आप किस तरह से खेलते थे और कैसा लगता था आप लोगों को, आप हमने आते थे सबके बीच में बैठते थे। देखिए समाज में कैसा लगता था, लोग भूत कहते थे, शैतान कहते थे, मृतक कहते, चलती फिरती लाश आ गया, कंकाल आ गया है, तो मुर्दा आ गया, मृतक आ गया, तो सारी तरह की लोग बातें करते थे। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात है, देखिए उनका बोलना मेरे लिए लड़ना बराबर है। अगर नहीं बोलते मैं लड़ भी नहीं पाता, मेरी जो दबी हुई प्रतिभा को वो जगा रहे थे बिंग बोलकर। तो जितना बोलते थे उतना ही मैं लड़ता था, लेकिन मैं लड़ते लड़ते कई करोड़ रुपया यहाँ के इस गांव में आप आए पूछ लीजिए, मैं लगभग 1.5 बीघा जमीन बेच दिया हूँ उस लड़ाई में, जीवित मृतक के चक्कर में। वो जमीन मैं 10,000 से 20,000 रुपया बिसवा बेचा हूँ। आज उस जमीन की कीमत लगभग 27 लाख रुपया बिसवा है। तो कितना मतलब कई करोड़ मेरा नुकसान हुआ। मेरा बनारसी साड़ी का कारखाना बर्बाद हो गया, हम लोग पति पत्नी बुनाई करते थे, अच्छा तरह से दाल रोटी चला लेते थे, लेकिन जब मृतक हो गए तो मृतक के चक्कर में, मृतक की लड़ाई में हमारा सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और जिला जुला के आपको अभी तक न्याय नहीं मिला। नहीं न्याय तो अशुभ पुनर्विवाह क्या, अशुभ पुनर्विवाह करने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि 40 वर्ष के बाद मैं जिंदा हुआ तो बाल विवाह हुआ ना, अभी 7 वर्ष मेरी उम्र हुई ना। हमारी पत्नी 67 वर्ष की है, ये भी विधवा रही, विधवा पेंशन के लिए गई तो सरकार इनको विधवा पेंशन भी नहीं दिया। अब जा रही है सरकार से मांग कर रही है, अब इनसे पूछिए क्या मांग रही है, क्या मांग रही है आप सरकार से। खेत बाड़ी बिक गया, घर बनक हो गया। पहले अपना नाम बताइएगा। करनी देवी। अब लाल बिहारी जी के क्या लगते हैं पत्नी, इस संघर्ष में आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत लड़ाई, जितनी लड़ाई जितना 50-60-70 वैसे लड़ाई कतरा जैसे लड़त हूँ। तो यही लड़ाई में गाना बिक गया को, खेत बिक गया, अरे द्वार घर द्वार बनक ध गया। तो अब हमके एक साथ साथ हमके 25 करोड़ का दावा था, हमके हमके 50 करोड़ चाहिए, ओकर ऊपर चाहिए। न्यायालय में हमने इसके लिए बात दाखिल किया है। हाँ नहीं अभी नहीं सुनवाई, हमारा ना दाखिल है आज इनका वाला, हम तैयार होते हैं कि हमके 50 करोड़ से ऊपर चाहिए लड़ाई में। हम उस जीवन साथी हैं ना, हमको चाहिए ना। अब क्या चाह रही हैं आप, जीवन तो आपका लगभग पूरा ही हो चुका है। हाँ पूरा, तो आने वाले दिनों में सरकार से क्या चाहते हैं।
50 करोड़ से ऊपर रकम चाहते हैं सरकार से मांग करके। हाँ, हमारे इतने नुकसान है, खेत बिक गया है, घर द्वार बनक है, गाना भी खड़ बिक गया, हम साथ में इतनी मुसीबत साले हैं, भूख और प्यासन रहा है, तो जब साथ में रहे हमके सरकार हमके 50 करोड़ से ऊपर दे। अरे लाओ छोटी छोटी पोती के लाओ, नाती के लाओ, ले आओ। अरे बुआ आप इसका चेहरा जो टोपी हटा दी ना, ज्यादा दिख रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।